उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में राजभवन को विरासत के तौर पर स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों और नगरपालिका की टीम ने राजभवन परिसर का दौरा किया और मौके का मुआयना करके रिपोर्ट तैयार की। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीएम बस्ती से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 फरवरी 2023 को बस्ती राजभवन आए थे। राजभवन में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान राजमाता आशमा सिंह ने भवन को हेरिटेज के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव सीएम के समक्ष रखा। इस पर सीएम ने डीएम बस्ती से मौके की पैमाइश करने, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य बिंदुओं पर कार्य करते हुए प्रस्ताव मांगा था। वहीं राजभवन को हेरिटेज भवन बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल धरातल पर दिखना शुरू हो गई है। अयोध्या के साथ साथ आसपास के जिलों का भी विकास और सुंदरीकरण हो रहा है। इससे पूरा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएगा। अयोध्या से बस्ती राजभवन करीब है। इसे हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना और अपने आप में पर्यटकों के लिए मनमोहक साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन को हेरिटेज भवन बनाने के राज परिवार के प्रस्ताव पर डीएम को प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। राजमाता आशिमा सिंह ने राजभवन को हेरिटेज भवन के तौर पर सीएम के सामने विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद अब राजमहल के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।